लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है? लॉ ऑफ डिमांड होता है जिस चीज़ की डिमांड जब जब बढ़ेगी उसकी प्राइस उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो जब भी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो उसकी प्राइस बढ़ती है। आपको लगता नहीं कि ये सेम चीज़ गर्ल्स फॉलो करती हैं? चेक कीजिए, गर्ल्स जिस भी गर्ल की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है वो अपना का सप्लाई लिमिटेड रखती है। तो विश्वास मानिए, वेदर शी इज़ ब्यूटीफुल और नॉट, बट जिस गर्ल का, जिस लड़की का सप्लाई लिमिटेड होता है, जो हर फंक्शंस में नहीं जाती, हर पार्टी में नहीं जाती, तो उसकी डिमांड, उसकी प्राइस हमेशा हाई रहती है। सेम अप्लाइज टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो। जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा रहती है या कांस्टेंट रहती है लेकिन उस प्रोडक्ट का सप्लाई लिमिटेड होता है, वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता, वो सिर्फ 1 मिनट डील होती है या वो सिर्फ एनिवर्सरी एडिशन होता है, तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है। तो सर, अगर आपको आपकी प्राइस बढ़ा के रखनी है, अगर आपको आपकी वैल्यू बढ़ा के रखनी है, अगर आप किसी कॉर्पोरेट में कंपनी में एम्प्लॉई हो, तो अपनी वर्सेटिलिटी ऐसी रखो कि आपकी डिमांड हमेशा बढ़ी रहे बट आपका सप्लाई हमेशा लिमिटेड रहे। आप हर जगह प्रेजेंट हो जाते हैं तो आप आम हो जाते हैं, उस केस में आपकी प्राइस कम हो जाती है। प्राइस मतलब वैल्यू। और अगर आपकी वर्सेटिलिटी, आपकी एडेप्टेबिलिटी, आपका फोकस, आपका कंसिस्टेंट हार्डवर्क अगर तक स्ट्रांग है तो हर जगह आपकी डिमांड बढ़ती रहेगी, आपकी डिमांड बढ़ती रहेगी, बट ऑन द सेम टाइम अपना सप्लाई फोकस्ड एंड अगर आप लिमिटेड रखते हो तो कहीं ना कहीं आपकी प्राइस बढ़ती है। दिस इज़ व्हाट लॉ ऑफ डिमांड। थैंक यू सो मच।